नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और सपनों की इस उड़ान में आप सभी का स्वागत है गोलयान में। तो जिसे जिसे अपने गोल पर चलना है वो गोलयान पर सवार हो जाओ, क्योंकि गोलयान अपने गोल तक जाने वाला है, मतलब आप सबको आपके गोल तक पहुंचाने वाला है। रीजनिंग की क्लास ये दूसरी क्लास है मेरी। वैसे कल मैंने एक आपको ए से लेकर जेड तक याद करने का तरीका बताया था। आप कहेंगे तो अपोजिट वाला भी आपको याद करा दूंगा मैं किसी वीडियो में। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जिनका पहले एग्ज़ाम है, देखो कोडिंग डिकोडिंग तो सब में है, सब में मतलब सब में, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं मैं देखा जिसमें कोडिंग डिकोडिंग ना हो। पेट में है ही है, पेट में लिमिटेड सिलेबस है, 8 चैप्टर है पेट में, लेकिन SSC GD अगर आप अप्लाई किए तो उसमें पूरा है 20 चैप्टर। पुलिस होने वाला है अगर UP पुलिस, उसमें पूरा है। SI में पूरा है, SSC CAGL CHSL या फिर बैंक, किसी भी एग्ज़ाम में पूरा है ना रीजनिंग। लेकिन पेट में क्या है, पेट में लिमिटेड है, 8 चैप्टर है, लेकिन कोडिंग डिकोडिंग सब में है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार का हो सकता है, लेटर, नंबर, सब्स्टिट्यूशनल, तो तीन प्रकार के होते हैं, सब समझेंगे आप। लेटर में क्या होता है, लेटर टू लेटर रहेगा, कोड कर देंगे, बोलेंगे कि बताओ ये ऐसा है वैसा है। नंबर में क्या होता है, कोड को मतलब लेटर को नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, कोड में बदलते हैं, और इसको वो भी बताता हूँ मैं। तो सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, आज ना मेन चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्लान है मेरा। जैसे जो लोग अभी, बहुत से लोग कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा ना, कोई भी कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन इजीली में उड़ा दोगे छटा सा, है ना। और दूसरी बात है कि जैसे मैं बड़ी बड़ी क्लासेस क्यों नहीं अभी कर रहा हूँ, बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएँ नहीं है मेरे पास, बहुत सारी इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए वजह से नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो सब बाकी लोगों के पास बहुत कुछ है, मेरे पास साधन की कमी है, लेकिन मैं कम मतलब पढ़ाने में कोई कमी नहीं करूँगा। ठीक है, तो आपको आज कॉन्सेप्ट एकदम साफ कर देना है। जैसे ये है टाइप नंबर 1, इसी को बोलते हैं लेटर, कोडिंग डिकोडिंग लेटर वाला। टीचर कोडेड एज VGCEJGT, अब बोल देंगे चिल्ड्रन को बताओ, है ना। अब कल देखो मैंने आपको याद दिलाया था, अब किस किस नंबर पे ये हमें अगर पता हो तो हमें आसानी हो जाती है ये बहुत, तो इसीलिए आपको मैं याद दिलाया था। T से 20 मैंने बोला था ना, E से 5, A 1 पे है, C 3 पे है, H 8 पे है, हेट मतलब 8, EV 5 पे है, R मतलब रोजगार 18 साल, यही तो बताया था, तो ये तो लिख दिया, इसको भी लिख देते हैं। V मतलब 22 बताया था, G 7 बताया था, C 3 होता है, 5 होता है, जूनियर मतलब 10, हाई स्कूल 10 बताया था ना, G 7 और T 20, यही तो है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है 20 22 मतलब 2 बढ़ गया, 5 2 7 हो गया, 1 2 3 2 2 बढ़ रहा है सब में, है ना। देखो 18 2 20, 5 2 7, तो 2 2 बढ़ रहा है, ऐसे पूछेंगे आपको एग्ज़ाम में, तो आप भी क्या करोगे, 2 2 बढ़ा दो सब में। तो सी के बाद ई मतलब 2 बढ़ाओगे ई होगा, एच की मतलब एच है 8 पे, तो वैसे भी बड़ा है वहाँ पे 10 पे, तो जे लिख दो, पहले पता है हमको, और आई के लिख दो, LMN लिख दो, DF लिख दो, R में 2 जोड़ोगे, ये देखो 18 20 20 लिखा है, ये T। उसके बाद E 5 पे 5 2 7 G, N 14 पे है, 14 2 16 16 मतलब P, मैंने आपको बताया था P, प्रिंस या फिर पहला प्यार, ऐसे करके ट्रिक बताया था मैं आपको, तो हमारा आंसर यही हो गया, है ना। तो इस तरह से 2 2 बढ़ रहा है, 2 2 बढ़ा देंगे, एक टाइप ये हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को तुरंत फटाक से नंबर लिख देना है और बढ़ा देना है, है ना। कॉन्सेप्ट मेन चीज़ है, आपको बताऊंगा, प्रैक्टिस बाद में कराऊंगा मैं, प्रैक्टिस वाली बात अलग है। एवब को JYLEV लिखेंगे तो एवरी को क्या लिखेंगे, है ना। अब इसमें देखो, ए है 1 पे और जेड है 26 पे, बी है 2 पे, वाई है 25 पे। अब इसमें हमको क्या देखने में समझ में आ रहा है, पहले देख लो, उल्टा है मतलब अपोजिट है। अपोजिट वाला आपको याद दिला दूंगा मैं, किसी एक ट्रिक उसके बहुत बढ़िया बनाऊंगा और आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अब ओ देखो, ओ है ओल्डर, 15 बताया था ना आपको मैं, और उसके बाद क्या है, एल लिखा है, एल लॉयन बब्बर शेर 12, ई है 5 पे और वी है 22 पे, और इधर 15 वी है 22 पे
और ई है 5 पे। तो इसमें हमने क्या देखा, उल्टा मैंने क्या बताया था, 27 में घटा दो जो भी हो उल्टा आ जाएगा, जैसे एक घटाओगे तो 26 आएगा, 27 में दो घटाओगे तो 25 आएगा, कुल मिला के अपोजिट है। क्लियर हो गया, हमारा कन्फर्म हो गया कि ये अपोजिट है। 27 में जो भी 27 में अगर घटाओगे 15 तो 12 बचेगा, है ना, 22 घटाओगे तो 5 बचेगा और 5 घटाओगे तो 22 बचेगा, तो एवरी को लिख दो, है ना। तो ई है 5 पे, है ना, तो 5 पे है तो 22, 22 मतलब वी आ जाएगा। एवरी देखो ऐसे तो होगा ना, एवरी एवरी को ई का उल्टा वी है, ये तो कल भी बताया था मैं शायद, एक आ गया क्वेश्चन फिर से। और आर, आर मतलब रोजगार 18 पे है, तो 27 में जब 18 घटाओगे दोस्तों तो क्या बचेगा, तो बचेगा 9, 9 पे है आई, और उसके बाद वाई, वाई 2 पे बी आता है, इसका उल्टा ये हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं, कुल मिला के ये अपोजिट है। तो अपोजिट वाला इस तरह से लिखते हैं कि इस टाइप का आ जाएगा, एक अपोजिट वाला आ जाएगा, दो दो बढ़ा के आ जाएगा। अब देखो इसको, लाइट को ये लिखेंगे तो फ्लेम को क्या लिखेंगे, इसको भी देख लो। एल किस पे है, एल मतलब बब्बर से लॉयन बताया था मैं आपको, 12 पे है, ये भी 12 पे ही है, ऐसे लिख के समझते हैं। आई किस पे, डायरेक्ट ऐसे करेंगे क्योंकि समय रह गई नहीं, हमको जल्दी जल्दी करना है। आई किस पे है, आई 9 पे है, तो 9 लिख दो। यहाँ पे जे है, जे किस पे है, जूनियर 10 पे है। जी किस पे है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं ये वाला, जी किस पे है, 7 पे है, आई है 9 पे, फिर टी है 20 पे, है ना, ये लिख दिया। उसके बाद जी देखो 7 पे है, एच किस पे है, एच है 8 पे, हेट मतलब 8 और टी मतलब 20। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये 12 सेम 12 है, ये 9 का 10 हो गया, एक बढ़ गया है, 7 का सेम 7 है, 8 का एक बढ़ गया है, मतलब ये बीच में दो बढ़ रहा है बाकी 3 नहीं बढ़ रहा है, यही तो हो रहा है, मतलब एक नहीं बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर नहीं बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है। तो फ्लेम को क्या लिखेंगे, पहला तो एफ ही लिख देंगे क्योंकि पहला तो नहीं बढ़ रहा है, यहाँ लिखते हैं फ्लेम को इस कोड में कैसे लिखेंगे, एफ को तो एफ ही लिख देंगे और एल को एक बढ़ा के लिखेंगे, है ना, तो एल को जब बढ़ाएंगे तो एम हो जाएगा, एक बढ़ाएंगे तो एम हो जाएगा, और ए को ए ही लिख देंगे भाई, और एम को फिर से बढ़ाएंगे तो एन हो जाएगा, ई को नहीं बढ़ाएंगे, देखो इसमें नहीं बढ़ाया तो क्यों बढ़ाएं हम लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, एक बढ़ रहा है एक नहीं बढ़ रहा है, यही तो हो रहा है ना, पहला नहीं बढ़ा फिर दूसरा बढ़ा, एक एक का बढ़ रहा है, इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, सिस्टर को, अब इसको बोलते हैं नंबर, जो बताया मैं कोडिंग डिकोडिंग में वो तो लेटर था, अब ये नंबर है। सिस्टर को 535201 लिखते हैं, अंकल को 78960 लिखते हैं, तो नियर को क्या लिखेंगे, है ना, यही तो पूछ रहा है, ये बहुत सिंपल सा है। अब इसी में देखो S, यहाँ पे S मतलब 5 और 5, हमको ढूंढना है N, E और R बस, है ना। R देखो यहाँ है, R को 1 लिखेंगे, R मिल गया अपना, 1 लिख दो। उसके बाद और क्या, E, E देखो E यहाँ पे है, यहाँ पे है 0 0, E का मतलब 0, तो 2 0 हो गया। अब हमको बचा ढूंढना क्या, N, N इसमें है, U के बाद 8, ये हो गया ना 8 4 1, ऐसे ही आता है। तो इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, ऐसे फटाफट लिख देना, आपको सिंपल तो है ही एकदम, है ना, एक एक बार मिला, जैसे ऐसा क्वेश्चन जब आया ना तो एक बार आपको वहाँ पे दो दो दिया रहता है ना, तो समझ लेना है ये कि जिसमें, जैसे इसमें ई है, इसमें दोनों में ई है, तो ई की जगह पर देखो क्या दोनों समान लिखा है, जब समान हो तभी करना, नहीं तो कभी कभी घुमा देते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा सही है ये, इसमें समान है। अब इसको देखो 13479 को ये लिखा है और इसको ये लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, फिर वही चीज। अब देखो 3 को, यहाँ पर 3 है, 3 यहाँ पर 3 है, 3 क्यों लिखा गया है ना, 3 को क्यों लिखा गया, तो क्यों लिख दो। 9 को यहाँ पे आखिरी में 9 है, यहाँ पे L है, तो यहाँ पे L लिख दो। फिर यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 की जगह पे देखो P लिखा गया है ना, ये 6 और ये P, यही तो लिखा है, 6 यहाँ पे P लिख दिया हमने। फिर 8 है, देखो ये 8 है, तो 8 की जगह पे क्या लिखा है, N लिखा गया है, तो यहाँ पे N लिख देंगे हम। फिर 24, 2 कहाँ पे है, 2A पे है, 2 की जगह पे M लिखा गया है, तो M लिख देंगे। 4, 4 किस में, 4 इसमें है, थर्ड नंबर पे F लिखा है, 4 की जगह पे F लिख देंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं लिया मैंने, ऑप्शन था उसमें जहाँ से क्वेश्चन
कुल मिला के क्वेश्चन आप मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये सब बता रहा हूँ आपको, कोडिंग डिकोडिंग। आज गेम मतलब कहानी इसकी ख़त्म कर दो कोडिंग डिकोडिंग की। मैं जानता हूँ अगर जिस ध्यान से जो समझेगा ना इसको, कभी एग्ज़ाम में आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। यही कॉन्सेप्ट है, उसके बाद प्रैक्टिस आपको करना ज़रूरी है। प्रैक्टिस ज़रूरी होता है क्योंकि रीजनिंग ऐसा है कि आप कर तो लोगे लेकिन कितने समय में कर लोगे ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि एग्ज़ाम में आने के बाद बोलोगे तो आ तो रहा था हमें लेकिन समय ही नहीं। ये लोग कहते हैं मुझे तो आ रहा है एग्ज़ाम से पहले, मुझे तो आ रहा है, जब एग्ज़ाम में जाएंगे, जब एग्ज़ाम वापस आएंगे बोलेंगे टाइम ही ख़त्म हो गया। तो टाइम नहीं ख़त्म होना है भैया, जल्दी जल्दी करना है। पाँच बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये 10-10 सेकंड का सवाल नहीं है बस, और कम मतलब उड़ा दो फटाफट फटाफट ऐसा करना है। एक ये आएगा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशनल, ठीक है। आई कॉल्ड हैंड, हैंड कॉल्ड माउथ, माउथ कॉल्ड ईयर, ईयर कॉल्ड नोज और नोज कॉल्ड टंग, तो हम सुनेंगे किससे? तो हम सुनते किससे हैं? कान से सुनते हैं, है ना। तो कान को क्या बोल रहा है इधर नोज, उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? वहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे आपको चार, तो आपको फट से क्या करना है नोज लिख, मतलब नोज पे टिक मार देना फटाक से, सोचना ही नहीं है कुछ। बोलेंगे हम देखेंगे कैसे, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो देखना का है कहीं ईयर है, ईयर कॉल्ड, ईयर तो है ही है, आई है, आई है इधर, ये आई कॉल्ड हैंड, तो हम सुनेंगे देखेंगे कैसे, हैंड से देखेंगे, है ना। तो ऐसे ही करते हैं सब कुछ, ठीक है। सूंघेंगे कैसे, नोज टंग से, जीभ से सूंघेंगे, तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। हिंदी में भी वहाँ दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कुल मिला के आपको ऐसे करना बहुत सिंपल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये वाला है, ये थोड़ा ज़्यादा मतलब वैसे फंसा देते हैं कभी कभी इसमें भी। टी सी पी मीन्स ड्रिंक फ्रूट जूस, है ना। सी की ली मीन्स जूस इज स्वीट, ली री मी मीन्स ही इज इंटेलिजेंट, एंड स्वीट का मतलब बताओ, ये तो पूछा है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें देखना है। हमको क्या कर, सबसे पहले क्या देखते पा रहा है, ये पहला और दूसरा देखेंगे, इसमें देखेंगे कुछ है जो सेम है दोनों में, तो जूस इसमें भी है इसमें भी है, ऐसे इसको ऐसे सॉल्व करेंगे फटाक से एकदम। जूस इसमें भी है इसमें भी, और कुछ इन दोनों में नहीं है। अब देखो तो जूस है तो इन दोनों में भी देख लो कोई है सेम, तो इसमें हमने क्या जाना कि सी जो है इसमें भी है इसमें भी है, तो मतलब हमने क्या जाना जूस का मतलब सी होता है, ठीक है। अब हम इस इन दोनों में देख लेंगे कोई सेम है, इज इसको ऐसे बना दो, स्क्वायर बना दिया हमने, इज दोनों में सेम है, तो इसमें देखो दोनों में कोई सेम है, इसमें ली है, ली मतलब हमने क्या जाना कि सी का मतलब जूस और ली का मतलब इज होता है। पूछा क्या है, स्वीट का मतलब, ये बचा स्वीट, इसमें की हो गया उत्तर हमारा, स्वीट का मतलब की है कि नहीं। इसको इस क्वेश्चन को बहुत आएंगे जब आते, मतलब किसी किसी में ज़्यादा आते किसी किसी में एक ही आएंगे, जैसे आ जाएं बहुत आते हैं, मतलब जानता हूँ मैं इसको, तो इसको ऐसे करना जैसे मैंने बताया, ठीक है। एक तरीका ध्यान रखना, बहुत आसानी से कर लो जाओगे आप। दोबारा इस वीडियो को फिर मतलब इसको हल्के में मतलब सोच रहे, बहुत ईजी क्वेश्चन, कुछ लोग तो यही सोचते हैं कि बड़ा ईजी क्वेश्चन है ना, इसी के चक्कर में लटक, वो लोग पक्का लटक जाते हैं इतना जान लो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं इतना आता है उनको, इतना इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब उनको आता रहता है, फिर भी वो पढ़ते हैं उसको, फिर भी वो लोग वाह वाह करेंगे, वाह सर जी। ऐसे मतलब लोग सक्सेस जिनको पाना हो ऐसे होते हैं, उनको आता रहता है फिर भी वो पढ़ते रहते हैं, और जिनको नहीं मतलब जो लटकते हैं एग्ज़ाम में उनको, अरे ये तो ईजी है एकदम, वो लटक पक्का लटक जाता है उनका, क्योंकि समय की प्रॉब्लम होती है ना, ईजी हार्ड से मतलब नहीं होता। अब एक घंटा दे दो आप कर ही लोगे, फिर बात ये नहीं है, बात ये है कि कितने सेकंड में आप कर लेते हो कम से कम। सोलेमन कोडेड एज ये, तो पोथर को क्या लिखेंगे, है ना। एस, एस मतलब 19 साल में सोल्जर बनते हुए मैंने बताया था, वो मतलब ओल्डर, 15 साल के बच्चे ओल्डर हो चुके हैं। और एल मतलब लॉयन बब्बर शेर 12, और ई मतलब 5 होता ही है, एम मतलब मिडिल मतलब 13, और एन मतलब इसका भाई है 14, ठीक है। ये तो लिख दिया हमने 19, 15, 12, 5, 13, 14, इसको भी लिख दो वैसे ही। एच मतलब हेट मतलब 8, है ना।
डी मतलब चार होता ही है, इसमें कुछ कहना नहीं, एक पे है ये, पांच पे है ये, बी है दो पे दोस्तों, और सी है किस पे है, सी है तीन पे। अब हम क्या समझ में आया, 19 को कर दिया 8, 27 में अगर घटाओगे 19 तो क्या आएगा, तो 8 आएगा, हाँ आएगा, लेकिन 15 घटाओगे तो 4 नहीं आएगा, है ना, 15 घटाओगे तो 4 नहीं आएगा। इसमें क्या हो रहा है समझ रहे हो अपनी बात, इसमें 9 और 1 को घटा दिया तो 8 बचा, 5 और 1 को घटा दिया तो 4 बचा, 2 में 1 को घटा दिया तो 1 बचा, मतलब जो 19 है इसने क्या किया, 9 माइनस 1 कर दिया तो 8 हो गया, 13 में देखो 3 माइनस 1 कर दिया, 14 में 4 माइनस 1 कर दिया, है ना, यही तो किया है, 4 माइनस 1 तो सी बन गया, यही तो किया, इसमें घटाया गया दोस्तों। तो हम पी को, पी मतलब 16, तो ओ मतलब पहले लिख लेते हैं फिर फटाक से लिख लेंगे, ओ मतलब 15, टी मतलब 20, एच मतलब 8, ई मतलब 5, आर मतलब 18। ये सब मैं कैसे फटाफट लिख दे रहा हूँ आप समझ में रहे हो, जो ट्रिक मैं बताया था आपको वो मैं ट्रिक अपने लिए बनाया था, कभी एक समय था, मैं भी एग्ज़ाम कभी कभी दिया हूँ, मैं वो जो IBPS क्लर्क होता है उसमें मेरा हो भी गया था पूरा सिलेक्शन, साउथ में भेज रहे थे, मैं साउथ में गया ही नहीं, PO में भी मैं इंटरव्यू भी दिया हूँ, मतलब सब प्री मेंस इंटरव्यू सब, उसके बाद और रीजनिंग में पता है, रीजनिंग में 40 में 40 ही पाता था, मतलब टोटल एक भी मार्क्स कम नहीं होता था, मैथ में तो कम हो जाता था, जो भी एग्ज़ाम में दिया हूँ पूरा टोटल रीजनिंग, इसलिए बता रहा हूँ ध्यान से पढ़ो, रीजनिंग आपको पूरा करा दूँगा मैं, कुछ बाकी नहीं रहेगा एकदम अच्छे से। अब देखो इसमें ऐसे हो गया, अब इसमें क्या किया गया है, घटाया है उसने, अभी एक चीज़ यहाँ देखो, 5 को 5 ही लिख दिया है ना, मतलब जहाँ सिंगल डिजिट है वहाँ कुछ नहीं घटाया, 0 घटाया गया है वहाँ पे। तो 16 में 16 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो 5 की जगह पे ई लिखते चलो, ई हो जाएगा यहाँ, भाई 16 को 6 में से 1 घटाओगे तो 5 बचेगा ना, और 5 में से 1 को घटाओगे तो 4 बचेगा, तो 4 पे क्या आता है, डी आता है, लिखते चलो। अब 2 में से 0 घटाओगे तो 2 ही होगा, तो बी लिख दोगे यहाँ पे, 8 को 8 ही लिखोगे, मतलब एच ही लिखेंगे हम, 5 को यहाँ पे 5 ही है तो 5 को 5 ही लिखेंगे हम, है ना, यही तो लिखा है, देखो वहाँ पे समझ लो, जहाँ एक डिजिट है वहाँ पे वही लिख दिया है उसने। फिर 18 को 7 लिखेंगे तो G7, मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे। इसमें एक चीज़ आपने देखा, 6 से 1 को घटाया, 5 से 1 को घटाया, लेकिन 0 उधर है फिर भी, तो जो इसका टेंशन मत लेना आप कभी, इसमें वही किया है इसने, इसमें इधर था तो उधर से घटाया, उधर से उधर घटाया, कुल मिला के आपको ये उत्तर आपका इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है, एक दूसरे का घटाना है बस। तो ये हमारा हो गया इस तरह से, नेक्स्ट देख ले। अब इसको देखो दोस्तों, इक्विटी को ये लिखा गया है, आउटपुट को ये लिखा गया है, नोटिफाई को क्या लिखेंगे, तो पहले इक्विटी को ये लिखा है तो इक्विटी का नंबर क्या है इसको लिखेंगे, सबसे पहले नंबर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5, ई मतलब 5, क्यू मतलब 17, यू मतलब 21, आई मतलब 9, टी मतलब 20 और वाई मतलब 25, यही तो होगा ना, ये कैसे लिख रहा हूँ समझ में आ रहा है आपको, तो कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे, तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, एक वीडियो में बनाया हूँ उसको देख लोगे ना, आप भी ऐसे चुटकियों में लिखोगे जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं उसी आधार पर लिख रहा हूँ, उसी वो अपने लिए मैंने बनाया था, आपके लिए भी बनाया था, मेरा बनाया हुआ ठीक है बहुत बेहतरीन है। अब इसको भी लिख लेते हैं, एस मतलब सोल्जर, मतलब 19 साल में बनोगे आप, ओ मतलब ओल्डर 15 साल में हो जाते हो, सी मतलब 3 होगा ही, डब्ल्यू मतलब 23 साल का, आर मतलब रोजगार 18 साल में मिलता है आपको, G7 होता है। अब देखो इसमें से क्या समझ में आ रहा है आपको, ये है 5, तो यहाँ पे ये तो बहुत बड़ा है, ये भी बड़ा है, उल्टा भी नहीं है, ये 5 यहाँ 3 है, ये नज़दीक है इसके, ऐसे तो करेंगे हम लोग, 21 के नज़दीक 19 है, 17 के नज़दीक 15, 19 भी है 17 के नज़दीक वैसे, लेकिन 5 के नज़दीक 3 है, ये ऐसे बन रहा है कुछ। इसको देखो 9, 20 से 2 कम 18, देखो ऐसे बन रहा है ये,
देख रहे हो है ना, बताता हूँ आपको। 21 ये 9 है तो 9 को 7 बना दिए, ऐसे ऐसे तो बन रहा है। ध्यान समझो, दो दो कम हो रहा है, माइनस टू। देखो 5 से 2 घटा 3, 21 से 2 घटा 19, 17 में 2 घटाए 15। सेम ऐसे यहाँ पे 9 में 2 कम हुआ 7, 25 में 2 कम हुआ 23 और 20 में 2 कम हुआ 18। तो वही तो इसमें भी अब देखो यहाँ भी O है 15, M है 13, इसमें भी 2 घटा, U में 2 घटा, U मतलब 21, S मतलब 19, 2 घटा, मतलब सेम ये भी है, सेम ये भी है, तो सेम इसको भी हम बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? अब देखो इसको तो ऐसे ही बनाएंगे ना, सीधा बना लेते हैं। क्या करना है? ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे तो बनाएंगे। इसको हटा देते हैं, दो दो कम कर देना है बस सब में, और क्या। अब देखो n में, t में, पहले t में दो, t है 20 पे, दो घटाओगे 18, ऐसे तो करना है, ऐसे करना है आपको जल्दी जल्दी। तो 18 किस पे आता है? r, r मतलब रोजगार। o किस पे आता है? o होता है 15, दो घटाओगे 13, 13 किस पे आता है? m। n, n किस पे? 14 पे, 14 दो घटाओगे 12, 12 आता है दोस्तों l पे। उसके बाद फिर y, y है 25 पे, दो घटाओगे 23, तो यहाँ पे हो जाएगा w। f, f में फिक्स 6, तो 4 पे क्या d हो जाएगा। और i मतलब 9, तो 9 में दो घटाओगे 7, g बचेगा, मतलब हमारा आंसर ये आ जाएगा। ऐसे तो होगा ना, एकदम एकदम समझ लेना अच्छा जो मैं बता रहा हूँ। अगर ये याद आ जाएगा आपको तो फटाफट चुटकियों में सब कुछ निकाल लोगे। इसलिए पिछली वीडियो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, फटाफट सब देख लेना, अच्छे से कर लेना। इंडियन कोडेड एच सी एम एच एम जेड एच, तो मास्टर को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद है कि आपको अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग समझ में आ गया होगा। अब प्रैक्टिस सेट लेके आ जाऊंगा किसी दिन पूरा, कई सारे क्वेश्चन उसमें रहेंगे, आप लोग करना, फिर मैं भी बाद में करूंगा उसको, ठीक है। आपका टेस्ट हो जाएगा उसी बहाने, तो पहले समझते चलो कॉन्सेप्ट, फिर मैं सब कुछ आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आएगा। सभी को तो बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आए, कोई कमी तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब कुछ बताना, जो भी कहना चाहते हो कह सकते हो, छूट है सबको, एक फ्रेंड जैसा समझना मुझे, और सब कुछ कहना बिंदास। और अच्छी लगी तो लाइक करना, मन करे तो शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी भी दबा दिया करो, जिसको पढ़ना है ना चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी दबा दो, पढ़ते चलो अब रेगुलर, मुझसे डिमांड करो, पसंद आए तो डिमांड करो भाई, यही तो होता है, नियम यही है ना। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।